तरबूज, खरबूजा और खीरा और स्वीट कॉर्न की समय इस प्लॉट में खेती कर रहा हूँ। इस पे पूरा IPM पे हो रहा है, इसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं हो रहा है। जो मात होते हैं, जो थल छेदक होते हैं, तना छेदक होते हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से लाइट ट्रैप से 60-80% तक नियंत्रित हो जाता है। और बाकी बच्चे जो है होते हैं तो फेरोमोन ट्रैप और ये लाइट ट्रैप और स्टिकी स्टिप, इनसे सबसे नियंत्रित हो जाता है। मेरा नाम मयंक वर्मा है। मैं तरबूज, खरबूजा और खीरा और स्वीट कॉर्न की समय इस प्लॉट में खेती कर रहा हूँ। इस पे पूरा IPM पे हो रहा है, इसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं हो रहा है। और इसकी बुआई 15 फरवरी को हुई थी और जब पत्तियाँ निकल के आई थी उसी टाइम सारा इंस्ट्रूमेंट इसमें IPM का लगा दिया गया था। ये सोलर लाइट ट्रैप, फर्मन ट्रैप और नीली पीली स्टिप लगा दी गई थी, तो इससे जो है कीड़ा इसी में अट्रैक्ट हो जा रहा है, तो कीटनाशक का प्रयोग मुझे नहीं करना पड़ रहा है। इससे फ़ायदे हैं कि हमारे खेत में लीफ फाइनर नहीं आ रहा है और वो जो कैटरपिलर होता है, सुंडी जिसको बोलते हैं, और सुंडी जो है फल में गड्ढा कर देता है, छेदक हो जाता है और पत्तियों के कल्लों में रहता है, वो कल्ले खा लेता है, तो आगे ग्रोथ नहीं होती पौधे की। तो ये जो है इसके लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो ये सारे कीड़े इसी में ट्रैप हो जा रहे हैं, तो इसमें लग नहीं रहा है, तो हमको इस कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। जब सुबह आते हैं आप, कितने कीड़े मिलते हैं इसमें? कीड़े जो है इसमें जो है मान के चलिए एक दिन में जो है 10 कीड़े ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा काफ़ी लगा रखी है हमने खेत में। एक एकड़ में लगभग 15 पीस हमने लगा रखा है स्टिपिस्टिक की, और लाइट ट्रैप हमने 1.5 एकड़ में 3 लगा रखे हैं। इस लाइट ट्रैप में तो एक दिन में कम से कम मान के चलो कि 100 कीड़ा एक ट्रैप में ज़रूर ट्रैप हो जाता है एक दिन में। खर्चा कितना है? खर्चा एक एकड़ का लगभग जो है ₹1,000 जो है ट्रैप का खर्चा है, स्टिपिस्टिक और ट्रैप मिला के जो फर्मन ट्रैप लगता है, और लाइट ट्रैप का खर्चा एक आता है 4,000 का है और एक 3,000 का है। तो खर्चा अपने हिसाब से जो है लोग एक एकड़ में एक बोलते हैं, लेकिन हमने 3 लगा रखा है क्योंकि हमारे यहाँ समस्या ज़्यादा होती है। पहले क्या होता था, जब कीड़े लगते थे तब हम दवाई डालते थे, तो कीड़ा उतना नुकसान कर चुका होता था हमारे फल को, जो मतलब फल आया उसे कीड़ा लग गया तो दवा पड़ी तब तक वो फल को छेद चुका होता था। इसमें फल मतलब छेदा नहीं होता है, क्योंकि कीड़ा पहले ही ट्रैप हो जाता है, तो जो भी फल निकल रहा है वो प्योर शुद्ध निकल रहा है, तो उत्पादन में 20% की आप बढ़ोतरी मान लीजिए। बेनिफिट ये है कि हम लोगों को जो दवाइयाँ डालनी पड़ती थी, पीठ पे लाद के मशीन चलाना पड़ता था, तो जो व्यक्ति डालता था उसको भी जो है कीटनाशक से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था, और जो लोग खाते हैं कीटनाशक उनको भी जो है रोगों से बहुत ग्रस्त होना पड़ता है, क्योंकि कीटनाशक बहुत ही खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हमारे स्वास्थ्य पर लाभ है और खर्चा कम हुआ है, क्योंकि कीटनाशक हर 4th दिन पड़ता है किसी भी फसल में। ले लीजिए आप, चाहे खरबूजा ले लीजिए, चाहे तरबूज ले लीजिए, और चाहे मक्का ले लीजिए, खीरा है, सब चीज़ों में लगभग 4th दिन 5वें दिन कीटनाशक पड़ता ही पड़ता है, और हमारे खेतों में कीटनाशक नहीं पड़ रहा है, तो इससे हमारे 1 एकड़ में लगभग 20,000 से 25,000 रुपये तो हमारा ऐसे ही कीटनाशक का सेव हो रहा है। अभी तक एक भी छिड़काव कीटनाशक के नहीं हुए हैं, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो हो सकता हो करना पड़े, लेकिन 90% जो है नहीं करना पड़ता है। हमारी फसल तो बहुत अच्छी है, और हम तो सभी किसान भाइयों से यही कहेंगे कि आप लोग सभी लोग IPM पे आएँ। IPM पे जो है आने से हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ है, खाने वाले को भी स्वास्थ्य को लाभ है, और दूसरी बात हमारी मिट्टी भी अच्छी हो रही है, और खर्चा भी कम है, लागत और प्रॉफिट ज़्यादा है इससे। इस तकनीकी का हमको 2 साल लगभग हो गया है करते हुए, और हमने तब से जो है बहुत सारी सब्जियों वर्ग की फसल की हैं, तो सब में चीज़ों में लगवाया है, तो सब में हमको बेनिफिट मिला है। 90% कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करता पड़ता है, 10% रिस्क है कि अगर मान लीजिए मौसम का मार हो गया तो करना पड़ सकता है। प्योर हमने इसमें लगा रखे हैं लीफ माइनर और टबैको कैटरपिलर हेल्को वर्पा, 3 ल्योर लगा रखे हैं, और नीली और पीली स्टिप लगा रखी है। लाइट ट्रैप तो सारे कीड़े अट्रैक्ट होते हैं उसमें, रात के टाइम ये जलता है, सूर्य अस्त के समय ये अपने आप ऑटोमेटिक जलेगा, और वही 9-9:30 तक जलता है, फिर बंद हो जाएगा। मॉर्निंग में सूर्य निकलने से पहले 1 घंटा जलता है, तो शाम के कीड़े जितने भी होते हैं लाइट में ट्रैप हो जाते हैं, और मॉर्निंग के भी जितने कीड़े होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि कीड़ों का उड़ने का समय, जो खतरनाक कीड़े हैं उनका उड़ने का समय वही 9 से 10 बजे तक ही रहता है, और मॉर्निंग में 1 घंटा रहता है, बाकी जहाँ पर होते हैं वहीं पर बैठे रहते हैं, वो उड़ते नहीं।
IPM है कि रासायनिक दवाएं हम सबसे बाद में डालें, उसके पहले हमारे पास जो है कि खेतों की सफाई, मेड़ों की सफाई, अच्छा बीज और ये लाइट ट्रैप का तो हम लोग रेगुलर मैं रिकमेंड करता हूँ कि शुरुआत में जैसी फसल तैयार हो तो शुरुआत में ही लगा दे, क्योंकि नीचे से जो कटमरम लगता है उसके बाद ये जो कीड़े पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं, फिर फल को जो नुकसान करता, सारे जो है जो मात होते हैं, जो थल छेदक होते हैं, तना छेदक होते हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से लाइट ट्रैप से 60-80% तक नियंत्रित हो जाता है। और बाकी बच्चे जो है होते हैं तो ये फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप और क्या नाम है स्टिकी स्टिप, इनसे सबसे नियंत्रित हो जाता है। सभी फसलों में कारगर है, जहाँ तना छेदक और फल छेदक का है उनमें सब में कारगर है, कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें कि ये कारगर ना हो। मैं तो मेरा अपना अनुभव है, सब्जियों में तो मैं बहुत अच्छी तरीके से देखा हूँ, मगर धान में भी जो तना छेदक का प्रकोप होता है उसके लिए दवा तमाम डालते हैं किसान में, जबकि ये इसी लाइट ट्रैप से और फेरोमोन ट्रैप से बहुत अच्छी तरीके नियंत्रित हो जाता है। अब दवाइयों से मैं तो ये किसान जो किसानों का मैं अनुभव बता रहा हूँ, किसान कह रहे हैं कि मेरा 80% से ऊपर ही मेरी बचत हो जाती है, दवा का लगभग ना के बराबर हो जाता है, कीटनाशी का तो बिल्कुल लगभग बचत हो जाती है और फफूंदी नाशक भी काफ़ी हद तक के कम हो जाता है, जो कि जाने अनजाने उनकी काफ़ी लागत बढ़ती थी और लागत भी काफ़ी कम हो जाती है। ये बहुत अच्छी तरीके से कारगर है अगर शुरुआत से इसको लगा दिया जाए। ये नीली पीली पन्नियाँ लगा दी हैं, ये फेरोमोन ट्रैप है, हर फसल के अलग अलग इसका लेयर होता है, ये जो बड़ा वाला होता है जिसमें फनल टाइप का होता है, तो सब्जियों में जो तरबूज खरबूजा होता है उसमें फल मक्खी का अटैक होता है ज़्यादातर, वो डंक मार देती है और उस डंक मारने के बाद जो है उसमें वो अंडे देती है, तो वो जो है वो उसी के अंदर शुरुआत में जो छोटा फल होता है अंडे दे देती है और जब विकसित होता है तो उसी के साथ विकसित होता है और वो पूरा फल को ख़राब कर देती, सड़ा देती। उसको अगर एक शुरुआत में ही लगा दिया जाए, एक छोटा सा फेरोमोन ट्रैप कहते हैं उसको, भी गोल होता है स्ट्रक्चर, उसमें लेयर लगता है, फल मक्खी के लिए अलग आता है लेयर, उसको लगा देते तो उसी में जाके सीधे वो अंडे देने के बजाय उसके अंदर जाके फंस जाती है और वो अपने आप जो है उसी के अंदर फंस के मर जाती है, तो बिना किसी दवा के वो नियंत्रित हो जाए, जबकि उसी के लिए किसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में दवा डालते हैं जो जैसा किसानों द्वारा बताया गया, और उसके बाद भी चूँकि वो अंडा जब अंडा देखे वो तो उड़ जाती है और किसान दवा डालता है फसल पे फल पे, तो इस तरीके से अगर इसको सब्जियों में लगा जाए, लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, ये स्टिकी स्टिप लगा दी जाए, शुरुआत से लगा दिया, जैसे फल बनने के स्टेज पे है उस समय उसको फेरोमोन ट्रैप लग दिया जाए, शुरुआत जैसे फसल लगाई जाए वैसे ही नीली पीली पन्नियाँ लगा दिया जाए, और अगर कहीं उनको दिखाई पड़ रहा है कि हमारे में कोई कीड़े ज़्यादा आ रहे हैं उस पर नीली पीली पन्नियों पर, तो बायोपेस्टिसाइड शुरुआत में यूज करें, जिसमें कि कीड़ों के लिए मेटाराजियम है, बिबेरिया बैसियाना है, जो दुकानों पर भी मिलता है, हमारे कृषि अच्छा इकाई भी मिल जाता है, वो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके अगर स्प्रे कर दिया जाए तो बगैर ये रासायनिक दवाओं के लगभग काफ़ी कुछ तक के नियंत्रित हो जाता है।